अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। तो ये मैं आज ड्रेस अपना स्टिच कर रही थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अभी सीज़न चेंज हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट यानी गर्मी जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए मैंने ये स्टिचिंग कर रही थी। ये लॉन का ड्रेस है, तो ये देखिए कुर्ता मैंने कटिंग की थी, तो इसके मैंने ये गला बना लिया हुआ है। उसके अलावा ये देखिए इसमें कितना खूबसूरत प्रिंट है। ये देखिए इसका दामन है, दामन में मैं कुछ डिज़ाइनिंग करने लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए इसके ये जो दामन है ना, ये लेंथ में कुर्ता थोड़ा ज़्यादा है, उसके अलावा भी इसमें इतने सारे फ्लावर मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं सोच रही थी कि नीचे से इस वाले हिस्से को रिमूव कर दूँ। तो इसके लिए मैंने ये भी ख़त्म कर देना, ये भी, और ये जिसमें स्किन कलर में डिज़ाइनिंग है ये वाली, मैं कोशिश करूँगी कि जस्ट इसको ही प्रोमिनेंट करूँ, ठीक है? बाकी ये सारा हमने ख़त्म करना है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। तो ये हम ज़रा यहाँ से देख लेते हैं, देखिए इसकी बैक है। इसके लिए मैं सबसे पहले ये चुनती है ऊपर चेपी जो होती है इसका यूज़ करूँगी, इसको मैंने यहाँ पे बैक पे लगाना है। तो ये थोड़ी सी रफ़ है क्योंकि हमने रफ़ में यानी कि बैक में चले जानी है, इसलिए मैं ये रफ़ यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं ना कटिंग करके परफेक्ट इसकी तो इसके यहाँ पे बैक पे लगा के लाती हूँ ऑफ कैमरा में, फिर मैं आती हूँ वापस। ये लीजिए जी, हाजिर है जनाब। ये हमने इस पेपर चेपी जो है ये चिपका ली है, तो मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ हमें क्या करना है कि हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे काटना है। इस तरह से हमें इसका एक्स्ट्रा कपड़ा निकालना है। ये देखिए ये जो है हमें ये जो डिज़ाइनिंग है ये स्किन वाली रखनी है, बाकी ये सारा जो है निकालना है। तो इसमें हम हल्का सा छोड़ के यानी जो सिलाई में मार्जिन जाना है वो छोड़ के बाकी हम इसको काट लेंगे, ठीक है? इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो था इसमें से निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके साथ साथ स्टिच करूँगी इस तरह से यूँ, बिल्कुल जैसे ये इसकी डिज़ाइनिंग है ये स्किन कलर की, सेम इसके साथ साथ मैं इसको स्टिच करूँगी। तो इसको करने का मकसद जो है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये लीजिए ये स्टिच हो गया है, तो यहाँ से तो ये प्रोमिनेंट नहीं होगा, हम बैक से देख लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया, तो अब ये जो शेप बन गई है यही हमें शेप इसी तरह से बनानी है। ये हमने जो है ये मार्किंग निशान बना लिया है सिलाई का, उसके अलावा मैंने ये एक पट्टी ली है, इसकी जो है चौड़ाई वो है 4 इंच, और इसको पीस को लंबा हमने उतना लेना है जितना ये हमारा घेरा है, ठीक है? तो इस पीस को अब हमने रखना है इसके नीचे इस तरह से, और ये जो हमने सिलाई की है ना एग्जैक्ट इसके ऊपर ऊपर हमें स्टिच करना है, इस सिलाई के ऊपर ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। ये हमने डबल स्टिच कर लिया है। अभी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको काट लें, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए बाकी सारा कपड़ा जो है काट देना। ये देखिए ये जो इस तरह नोक आ रही है इसको आपने इस तरह से कट करना है कि धागा ना कटे, बाकी आपने सारा एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है, यूँ करके आपने कट लगाना है ताकि इसको फोल्ड करना आसान हो, ठीक है? इसी तरह से आपने इसको सारे को निकाल लेना एक्स्ट्रा कपड़ा। ये हमने सारा एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया है, अब हमें इसे टर्न करना है। देखिए इस तरह से ये जो कपड़ा है इसको हम टर्न करेंगे। इस तरह से आपने इसे टर्न करना है बहुत स्मूथली सॉफ्टली, हल्दों से अपने हाथ में करना है अपने, अगर सख्ती से करेंगे तो ये इसकी सिलाई निकल जाएगी। इस तरह से अपने इसकी शेप से इसे बना देनी है। ये लीजिए जी, ये मैंने इसको टर्न करके इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, और ये तकरीबन 1/2 इंच जो है अंदर फोल्ड किया है मैंने, तो इसको मैं भी कर लूँगी तुरफाई। फिनिशिंग इसकी लुक ये देखिए ये आई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितना प्रोमिनेंट हो रहा है, फिनिशिंग से डिज़ाइनिंग आ गई है इसमें। अभी जब हम इसे साइडों से स्टिच कर लेंगे तो इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।